फंक्शनल एनालिसिस के लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की डेफिनेशन की थी। एक बार डेफिनेशन रिपीट करते हैं। अगर x हमारा कोई भी वेक्टर स्पेस था ओवर द फील्ड k, जहाँ पर k क्या है, रियल नंबर का सेट या कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ठीक है। तो एक कोई फंक्शन हम डिफाइन करते थे जिसकी नोटेशन हम ये यूज़ कर रहे थे, ये फंक्शन x टू r था, इस सेट टू बी नोम, इस फंक्शन को नोम कहेंगे अगर ये इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि इस फंक्शन में हर वेक्टर नॉर्म ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, कि एक्स के हर एलिमेंट के लिए इस फंक्शन पर फंक्शनल वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आनी चाहिए। सेकंड कंडीशन थी, अगर किसी वेक्टर की नॉर्म या किसी वेक्टर पर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो आ रही है तो उस वेक्टर को खुद ज़ीरो होना पड़ेगा। नंबर थर्ड कि अल्फ़ा एक्स कोई अगर वेक्टर है उसकी अगर मैं नॉर्म निकालूं वो इक्वल आए कि वेक्टर की नॉर्म निकाल कर उसको अल्फ़ा के मॉड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें कि ये दोनों सेम हो। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, हैंस एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स एंड अल्फ़ा इज़ एनी स्केलर ए वेक्टर स्पेस विद द नॉर्म। जब हम इस वेक्टर स्पेस एक्स को इस नॉर्म फंक्शन के साथ एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में लिखते हैं जो नॉर्म ये जो फंक्शन है इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, तो इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कहते हैं, ठीक है। ये जो फंक्शन है इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। आज हमारी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि प्रूव डैट एवरी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज़ अ मीट्रिक स्पेस, कि जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है यानी मेरे पास कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है एक्स और ये फंक्शन का, ठीक है, ये नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को मुझे मीट्रिक स्पेस प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, मीट्रिक स्पेस। बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, यानी ऐसा पॉसिबल है कि कोई फंक्शन या कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मीट्रिक स्पेस तो बन रहा है लेकिन वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस ना बनता हो, लेकिन जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है वो हमेशा मीट्रिक स्पेस बनेगा। नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इम्प्लाइज मीट्रिक स्पेस, ठीक है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस हमेशा मीट्रिक स्पेस बनेगा। तो हम लेकर चलेंगे कि एक्स दिस ये कोई नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है, अगर ये नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है तो और मुझे इसे मीट्रिक स्पेस प्रूव करना है तो इस पर मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी होगी। मीट्रिक स्पेस क्या था हमने ग्रेजुएशन में किया, एक बार देखते हैं। एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो हम एक डी डिस्टेंस फंक्शन लेते हैं एक्स क्रॉस एक्स टू आर सच डेट, अगर एक्स डी मीट्रिक स्पेस बनेंगे तो वो किन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, कि डी एक्स वाई डिस्टेंस फंक्शन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो। सेकेंड है, अगर डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। थर्ड है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, यानी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, आप एक्स टू वाई चेक कीजिए या वाई टू एक्स चेक कीजिए। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, यानी मीट्रिक की ये चारों प्रॉपर्टीज़ मुझे प्रूव करनी है। लेकर चलेंगे कोई फंक्शन इन चारों प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करता है, ये गिवन कंडीशन है, और हम प्रूव करेंगे कि वो इन चारों को भी फुलफिल करेगा, ठीक है। देखते हैं, अब हमने शुरू किया, लेट एक्स बी आर नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। हाँ, पहले नॉर्म्ड, तो हमारे पास वी है डिस्टेंस फंक्शन, डिस्टेंस और नॉर्म के बीच में ये रिलेशन कैसे है, देखो मान लीजिए हमारे पास कोई दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर है एक्स, इसका पोजीशन वेक्टर है वाई, तो अगर मैं बी ए वैक्टर, जो बी ए एक वेक्टर बना है इसको डिफाइन करूँगी, बी ए वैक्टर कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है, पोजीशन जो बी और ए के बीच का डिस्टेंस है यानी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स माइनस वाई, हमें पता है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो हम इसके लिए नॉर्म यूज़ कर रहे हैं, यानी जो डी एक्स वाई है डिस्टेंस फंक्शन है वो नॉर्म की सेंस में ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, या फिर ये कह सकते हो सीधा डिस्टेंस फंक्शन और नॉर्म का ये रिलेशन लेकर हम चलते हैं। तो वही यहाँ पर हम लेकर चलेंगे, वी हैव डी एक्स वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। अब एक्स की कोई भी वेक्टर स्पेस है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज़ को ये फुलफिल करता है और हम ये वन बाय वन प्रूफ करेंगे।
फर्स्ट लिया डी एक्स वाई, हमें क्या दिखाना है, डी एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली डी एक्स वाई। डी एक्स वाई डिफाइन कैसे है, नोम ऑफ एक्स माइनस वाई। लेकिन हमें पता है कि नोम तो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा फोर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, क्योंकि एक्स ये नॉन लीनियर स्पेस है। तो नॉन लीनियर स्पेस की ये चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। नॉम की फर्स्ट प्रॉपर्टी मुझे कहती है कि किसी भी वेक्टर का नॉम निकालो वो ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो आएगा। दिस इम्प्लाइज डी एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी फुलफिल होगी कि डी एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा। सेकंड लिया डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर डी एक्स वाई जीरो है, डी एक्स वाई कैसे डिफाइन है, डी एक्स वाई तो ऐसे डिफाइन है, यानी नॉम ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर हमारे पास नॉम की प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है किसी भी वेक्टर का अगर नॉम की वैल्यू जीरो हो तो उस अंदर वाले वेक्टर को ही जीरो के इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ अंदर वेक्टर क्या है, एक्स माइनस वाई, यानी इस वेक्टर को एक्स माइनस वाई को क्या होना पड़ेगा, जीरो। अगर एक्स माइनस वाई जीरो है, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। ये इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट होता है। तो बिल्कुल हम रिवर्स करेंगे कि अगर एक्स और वाई इक्वल हैं तो x माइनस वाई जीरो होगा, और अगर कोई भी वेक्टर जीरो हो तो उसकी नॉम क्वांटिटी लेंथ ऑफ डेट वेक्टर भी जीरो होती है। अगर किसी वेक्टर की लेंथ क्वांटिटी जीरो है तो यानी डिस्टेंस बिटवीन x एंड y क्या होगा, जीरो होगा। इफ एंड ओनली का रिजल्ट है, बोथ वे होगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली डी एक्स वाई। डी एक्स वाई कैसे डिफाइन है, नॉम ऑफ x माइनस वाई। लेकिन नॉम में से अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ, ये बन जाएगा देखो नॉम ऑफ x माइनस वाई है, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस बाहर कॉमन लिया वाई माइनस एक्स और नॉम के अंदर। नॉम की फोर्थ प्रॉपर्टी मुझे क्या कहती है कि मॉड ऑफ नॉम ऑफ अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फ़ा नॉम ऑफ एक्स। उसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, यानी मॉड ऑफ माइनस वन एंड नॉम ऑफ वाई माइनस एक्स बच जाएगा। मॉड ऑफ माइनस वन तो वन ही होगा, तो ये सिर्फ सीधा नॉम ऑफ वाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो नॉम ऑफ वाई माइनस एक्स दैट इज डी ऑफ वाई एक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी ली डी एक्स वाई इज इक्वल टू नॉम ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसमें मैंने जेड ऐड किया और जेड सब्ट्रैक्ट किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्स माइनस जेड पूरा एक वेक्टर है, जेड माइनस वाई पूरा एक वेक्टर है। हमें पता है कि नॉम क्वांटिटी ट्रायंगल इनइक्वालिटी लॉ को सेटिस्फाई करती है, यानी नॉम ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉम ऑफ एक्स प्लस नॉम ऑफ वाई। यहाँ एक्स पूरा ये एक वेक्टर है, वाई पूरा ये एक वेक्टर है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये डिस्टेंस बिटवीन एक्स और जेड के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई के इक्वल है। यानी हम नॉन लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को लेकर चले थे और हमने दिखाया कि ये सेट जो एक्स है विद डैट ऑपरेशन विद दिस फंक्शन मैट्रिक्स स्पेस की भी सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो हमारा जो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर था ये क्या बन गया, इज अ मैट्रिक्स स्पेस, ये हमारा मैट्रिक्स स्पेस बन गया। हमें यही प्रूव करना था। अब हम दिखाएंगे कि हर मैट्रिक्स स्पेस नॉन लीनियर स्पेस बने ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम दिखाएंगे कि कन्वर्स होल्ड नहीं करता, यानी हर मैट्रिक्स स्पेस नॉन लीनियर स्पेस बने ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। जो ये डिस्टेंस फंक्शन है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, जहाँ एक्स कोई भी सेट है। ठीक है, या वेक्टर स्पेस कह सकते हो, लीनियर स्पेस है। ठीक है, क्लियरली जो ये एक्स डी है ये हमारा मैट्रिक्स स्पेस बनेगा। हमने ग्रेजुएशन में ये प्रूव भी किया है, आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। वो काम आप खुद करेंगे कि इसे मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करना है। अब हम दिखाएंगे कि ये मैट्रिक्स तो बन रहा है लेकिन ये नॉम नहीं बन रहा, यानी डी एक्स वाई की जगह अगर मैं नॉम ऑफ एक्स माइनस वाई इसे डिफाइन करूँ ऐसे मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, तो ये हमारा इस तरीके का नॉम अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये नॉन लीनियर स्पेस नहीं बनता है। नॉन लीनियर स्पेस ना बनने के लिए हम क्या दिखाएंगे कि ये इन चारों में से जो ये हमारी चार प्रॉपर्टी थी नॉन लीनियर स्पेस की, इनमें से कोई अगर कोई एक भी फुलफिल नहीं होती तो हम कहेंगे कि ये नॉन लीनियर स्पेस नहीं बन रहा, क्योंकि नॉन लीनियर स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो मैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, सीधा थर्ड प्रॉपर्टी दिखा रही हूँ कि ये प्रूव। अब हमें नॉन लीनियर स्पेस के लिए क्या दिखाना है, नॉम ऑफ अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फ़ा नॉम ऑफ एक्स, यही दिखाना है थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए। अगर मैं बात करूँ कि डिस्टेंस बिटवीन अल्फ़ा एक्स कॉमा अल्फ़ा वाई, तो मुझे क्या दिखाना, अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई किसके इक्वल आएगा,
ठीक है। तो ये प्रूफ करना है, इसको अगर मैं मेट्रिक के सेंस में लिखूँ तो हमें क्या प्रूफ करना है कि डी ऑफ अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फ़ा डी एक्स वाई, ठीक है। क्योंकि x एक वेक्टर है, हमें मीट्रिक की, जब हम मीट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस फंक्शन की बात करें, तो ये वेक्टर हमेशा x माइनस वाई के सेंस में लेना होगा। दो पॉइंट होंगे तभी तो डिस्टेंस लेंगे। तो हमें क्या प्रूफ करना है, डी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फ़ा डी एक्स वाई। थर्ड प्रॉपर्टी भी हमें ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, दिस मीन्स ये प्रूफ करना है। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके देखेंगे, डी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई, अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई कैसे डिफाइन होगा, मॉड ऑफ अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई वन प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई। ऊपर से मॉड बाहर आ जाएगा, मॉड ऑफ अल्फ़ा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई वन प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। लेकिन राइट हैंड साइड में मॉड ऑफ अल्फा, राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, मॉड ऑफ अल्फ़ा डी एक्स वाई किसके इक्वल आएगा, मॉड ऑफ अल्फ़ा एज इट इज़, और डी एक्स वाई जैसे हमने डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया था। अब देखो ये दोनों सेम नहीं आए, हमारा इन जनरल डी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फ़ा डी एक्स वाई, क्योंकि यहाँ राइट इज लेफ्ट हैंड साइड जब हमने सोल्व की ऊपर मोड आया और यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई के मोड के साथ अल्फ़ा आया, लेकिन राइट हैंड साइड में ऊपर तो अल्फ़ा आ रहा है लेकिन यहाँ पर मॉड ऑफ अल्फ़ा नहीं आया। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यानी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये मैट्रिक्स स्पेस नॉन लीनियर स्पेस नहीं बनेगा, ठीक है।